आवर डेटिंग स्टोरी एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में लूना और रियोटो एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर लूना बोलती है रियोटा मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। और ए बोलने के बाद तो लूना रियोटो को हक कर लेती है, जिसके बाद रियोटा भी लूना को हक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी उसको कुछ एहसास होता है और उसको पता चल जाता है कि ए लड़की लूना नहीं है। और फिर वो बोलता है तुम तो लूना नहीं, तुम तो मारिया हो। और ए सुनने के बाद मारिया को भी एहसास हो जाता है कि वो अब पकड़ी गई है। और फिर वो बताने लगती है फोन में हमारा वॉइस एक जैसा ही लगता है, भले ही हम दिखने में अलग है। रियोटा बोलता है लेकिन आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मारिया बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं लूना के जैसा भी एक्ट कर सकती हूँ। और फिर वो रियोटा के बहुत ज्यादा क्लोज आकर बोलती है मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ वो करो, मैं एक किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन रियोटो मारिया को दूर भेज देता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहता। मारिया बोलती है लेकिन क्यों। रियोटा बोलता है क्योंकि मैं लूना को धोखा नहीं देना चाहता। और फिर मारिया और कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन ठीक तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। और फिर गार्ड जैसे स्टोर रूम को चेक करता है तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं देख पाता, क्योंकि रियोटा और मारिया तो खिड़की से वहाँ से भाग गए होते है। देन अगले सीन में हम उन दोनों को पार्क में बैठे हुए देख पाते है, जहाँ पर रियोटो बोलता है मारिया क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। मारिया हाँ बोलती है। फिर रियोटो बताने लगता है क्या तुमने ये सब कुछ सिर्फ लूना से बदला लेने के लिए किया है। मारिया बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, असल में तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जो सुनकर तो रियोटा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम ये क्या बात कर रही हो। मारिया बोलती है मैं भले ही लूना नहीं बन सकती और ना ही उसकी तरह एक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बनी, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे प्यार में गिरती जा रही हूँ। ये मेरी पहली बार है कि मैं किसी के प्यार में गिरी हूँ, लेकिन मैं रिजेक्ट भी हो गई हूँ। और फिर मारिया ये भी बताती है रियोटो पिछली बार तुम्हें भी इतना ही दर्द हुआ था ना, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया था, मुझे उसके लिए माफ कर देना, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। और ये सब कुछ बोलते हुए तो मारिया काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, जिसके बाद तो मारिया रियोटा के बहुत ज्यादा क्लोज चले जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रख कर रोने लगती है और बोलती है मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो, इससे मैं थोड़ा बहुत शांत हो जाऊंगी। और यही पड़ी ये सीन कट हो जाता है। और अब अगले दिन सुबह रियोटो स्कूल में आता है और वो तो अभी भी मारिया को लेकर ही टेंशन कर रहा था, लेकिन तभी रियोटो अपने मन में बोलता है मुझे मारिया को लेकर टेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड लूना है और मैं उसको चीट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अब उसको मारिया के बारे में सब कुछ बता देने वाला हूँ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्कूल के चारों तरफ तो एक र्यूमर्स फैल गया है, जहाँ पर कि रियोटो मारिया के साथ लूना को चीट कर रहा है। और ये बात तो रियोटो के दोस्त उसको आकर बोलते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम लूना को चीट क्यों कर रहे हो। और फिर उसके दोस्त रियोटो को मारिया और उसका एक साथ फोटो दिखाता है जो कि पिछले रात का होता है, जो देखकर तो रियोटो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तभी वहाँ पर मारिया भी क्लास के अंदर आ जाती है और वो कुछ ना बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और रियोटो को तभी शक होने लगता है कि ये सब कुछ शायद मारिया ने किया है। और इसके अगले पल ही रियोटा मारिया को एक क्लास में लेकर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ये किया है। जवाब में मारिया बोलती है कि नहीं मैंने ये नहीं किया है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा बेकार र्यूमर्स फैलाऊंगी, और इसके बावजूद भी मेरा भी तो कुछ प्राइड है, मैं ऐसे ही उसको बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। और ये सब सुनकर रियोटा समझ जाता है और उसको लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ मारिया ने नहीं किया है। फिर वो दोनों जैसे ही क्लास के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर तो लूना होती है और वो रियोटा और मारिया को एक ही क्लास के अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके हाथ से तो फोन गिरकर टूट भी जाता है। और लूना को अपने सामने देखकर रियोटा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है लूना तुम जैसे समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे बात तो बताने दो। लेकिन लूना बोलती है तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया रियोटो, मैं और ए नहीं ले पा रही हूँ। और ए बोलते हुए तो लूना के आंखों से आंसू गिरना भी शुरू हो जाता है और फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। रियोटा उसको फोन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी निकोरो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसको फोन को उठा देती है और बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो रियोटो। और फिर रियोटो को एक जोरदार थप्पड़ भी मारकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और इसके कुछ देर बाद रियोटो अपने क्लास में चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर लूना को नहीं देख पाता और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, आखिरकार मैं लूना को कैसे समझाऊं। यहाँ तक कि सेरेमनी खत्म होने के बाद भी लूना वहाँ पर नहीं आई।
फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियोटा होता है वो तो ट्यूशन में कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर भी पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगा पाता और वो तो लूना के बारे में सोच में पड़ जाता है। और फिर वो अपने मन में बोलने लगता है, समर वेकेशन शुरू हो गया है और मैं लूना से माफी मांगने के लिए लास्ट 2 हफ्ते से उसको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन वो रिप्ले तो दूर की बात है, वो तो मेरे मैसेज को देख भी नहीं रही है। यहाँ तक कि मैं उसके घर के बाहर भी बहुत दिनों तक रहा, उससे माफी मांगने के लिए मैं उसके घर के बेल भी दबाने वाला था, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा हिम्मत नहीं था, मैं सच में एक कावड़ हूँ। दूसरी तरफ हम रियोटा के 2 दोस्त इची और निशी को देख पाते हैं, जो कि समर वेकेशन मनाने के लिए बीच पर आए होते हैं और वो बोलते हैं बीच पर हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर क्या करेंगे। तभी उन दोनों को एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और वो दोनों तो वही गेमिंग वीडियो देखने लग जाते हैं और बोलने लगते हैं हमारे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए यही वीडियो काफी है। और फिर इची और निशी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट में सिर्फ कपल ही अलाउड होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों कुछ ऐसा देख लेते हैं जो देखकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियोटा को देख पाते हैं, जिसके फोन में इची और निशी ने एक फोटो भेजा होता है और उस फोटो में लूना और एक लड़का बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, जो देखकर तो मानो रियोटा को पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो क्लास से किसी को कुछ ना बोलकर जल्दी में निकल जाता है। और फिर वो ट्रेन में बैठकर सीधा वही रेस्टोरेंट के सामने चला जाता है जिस रेस्टोरेंट में लूना और वो लड़का एक ही साथ था। और फिर हम उस रेस्टोरेंट के अंदर लूना और निकोरो को भी देख पाते हैं, जो कि एक साथ मिलकर फोटो खींच रहे थे। और ठीक तभी वहाँ पर वही लड़का भी आ जाता है जिसके साथ लूना काफी ज्यादा क्लोज हो रही थी, और ये देखकर तो रियोटो एकदम जम जाता है और वो काफी ज्यादा दुख में होता है। लेकिन तभी वो लड़का रियोटो को वहाँ पर देख लेता है और बोलता है, वेलकम हमारे कस्टमर, क्या आप यहाँ पर कुछ लेना चाहते हो। और रियोटो को वहाँ पर देखकर तो लूना और निकोरो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी रियोटो बोलता है, लूना मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे पता है कि मैं काफी लेट हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। और ये सब कुछ सिचुएशन देखकर वो लड़का भी समझ आता है और बोलता है, ओ तो तुम ही हो लूना का वो नया बॉयफ्रेंड, तुम ट्रेन से इतनी दूर बस लूना को ये बात बताने के लिए आए हो, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं लूना का अंकल हूँ। और ये सुनकर तो रियोटा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और निकोरो तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और रियोटा से बोलती है, तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी से बोलो। तभी लूना के अंकल वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को जूस भी देते हैं और वो निकोरो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, ताकि रियोटो और लूना एक साथ अकेले बात कर पाए। और फिर रियोटो लूना को सब कुछ समझाने लग जाता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि आखिरकार वो ये क्या कर रहा है। फिर वो बोलता है, मारिया ने मुझसे कन्फेस किया था लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से वो रोने लगी थी और मेरे पास आ गई थी, और शायद उस वक्त वो फोटो लिया गया था। और मुझे माफ कर देना लूना, क्योंकि मैं ये बात तुमको बता नहीं पाया। लूना बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है रियोटो, मुझे पता है तुम बाकियों से काफी ज्यादा अलग हो और मैं मारिया के फीलिंग्स को भी अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मारिया तुमसे सच में प्यार करती है और तुम्हारे लिए उसका फीलिंग्स जेन्युइन ही होगा, और तुमने मारिया के साथ काइंडली रिएक्ट किया जब वो अकेली थी और रो रही थी, इसलिए तुम्हारा भी शुक्रिया रियोटो। ये सुनकर रियोटो भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, मतलब कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो आखिरकार तुम मेरे मैसेज और कॉल को इग्नोर क्यों कर रही थी। लूना बोलती है, क्योंकि मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया था और वो बिल्कुल ही टूट गया था, और फिर मैं यहाँ पर चली आई और यहाँ पर मुझे एक भी मोबाइल रिपेयर शॉप नहीं दिखाई दी, और फिर मैं पिछले दिन एक शहर में गई जिस वजह से मेरा फोन कल ही रिपेयर हो गया है। ये सब सुनकर तो रियोटा को राहत मिलता है और बोलता है, मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। लूना बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करना शुरू किया, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम मुझे धोखा दोगे, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो। और फिर ये बोलते हुए लूना रियोटो के हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, और यही पर ही सीन कट होता है। और अगले सीन में रियोटा लूना के साथ उसके अंकल के घर पर आता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी लूना के अंकल बोलते हैं, रियोटा अब तो तुम यही पर ही कुछ दिन रहने वाले हो, है ना। इसके बाद लूना रियोटा को बताने लगती है, रियोटो क्या ये पूरा समर तुम मेरे साथ रह सकती हो। जवाब में रियोटो हाँ बोलता है, जिस वजह से लूना काफी ज्यादा खुश होती है, तो बोलती है, हम दोनों पूरे समर वेकेशन यही पर ही रहेंगे और उस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मदद भी करेंगे, और अगर हमें समय मिला तो हम दोनों बीच पर काफी ज्यादा मजा भी कर सकते हैं। चलो ये समर हम दोनों का सबसे बेस्ट समर बनाए। और ये सुनकर रियोटा काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वो बोलता है, हाँ चलो। और फिर अपने मन में बोलता है, लूना काफी ज्यादा क्यूट है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।